सैमी जेन ज्वाइन किया ओजी ब्लडलाइन टीम को और यूनिट हो गए हमारा ओजी ब्लडलाइन। तो क्या हुआ आज के मेन इवेंट में, चलिए देखते हैं। पहले आए सोलह से शैतान ब्लडलाइन टीम और इसके बाद आए ओटीसी रोमन रिंग्स। सोलह से रोमन को बोला, रोमन मुझे एक्नोलेज करो, लेकिन रोमन रिंग्स ने बोला, नहीं मैं तुम्हें कभी भी एक्नोलेज नहीं करूंगा और मैं तुम्हें आज एक्नोलेज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। हमारे बीच एक मैच होगा, जो जीतेगा वो बनेगा ओनली ट्राइबल चीफ, क्या तुम राजी हो? और इसके बाद सोलो ने बोला, क्या बोल रहे हो रोमन रिंग्स, मैं ऑलरेडी ट्राइबल चीफ हूँ, मैं ये मैच नहीं खेलूंगा। और रोमन रिंग्स तुम कभी भी ट्राइबल चीफ तो नहीं बन सकते, क्योंकि तुम अब अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और इसीलिए तुम पहले बैक स्टेज जाओ और बैक स्टेज से किसी को पकड़ के लेके आओ, तुम अपने पार्टनर को जुगाड़ करो ताकि एक वार हो सके, एक वार गेम्स मैच हो सके। और इसको रोमन रिंग्स ने बोला, तुम वार गेम्स चाहते हो ठीक है, लेकिन वार गेम्स मैच में तो 5 मेंबर चाहिए, लेकिन तुम वो सिर्फ 4। और सोलो सिक्वा ने बोला कि क्या बोल रहे हो, हम लोग 4 है ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और मेंबर है और वो है मेरा दोस्त सैमी जेन। और इसके बाद सैमी ने एंट्री किया और तभी सोलो सिक्वा अटैक करना चालू किया रोमन के ऊपर। रोमन को हेल्प करने के लिए आए जिमी उसो और जे उसो, लेकिन जे को वो अकेले ही अटैक किया रोमन को और ब्लडलाइन टीम को। और इसके बाद सोलो सिक्वा एक समस्या बनाने की कोशिश किया रोमन को और सैमी को भी बोला, सैमी तुम भी एक किक मार दो, लेकिन सैमी जेन किक दिया रोमन को नहीं, सोलो सिक्वा को। और इसके बाद रोमन रिंग्स दी स्पीयर सोलो सिक्वा को और कहानी खत्म हो गई और बन गई हमारा ओजी ब्लडलाइन टीम और सभी ने दिखाया विद द वन साइन। तो क्या नॉस्टैल्जिक मोमेंट है गाइस, पहले की तरह हो गए सैमी रोमन जिमी और जे, बहुत ही बढ़िया।